जेनेवी परोरो हाउस खेलना चाहती है। ये वो गई। हम यहाँ चलते हैं। ये है परोरो हाउस। ये कितना शानदार और मजेदार है और इसमें बहुत सारे आकर्षण हैं। मेरी मदद करोगी जेनेवी? ये जेनेवी प्ले हाउस है। ठीक है, चलो अब इसे खोलें और सारी चीजें बाहर निकालो। ये है परोरो और उसके दोस्त। ये रहा उसका घर, बहुत सुंदर। इसके साथ बहुत सारे स्टिकर्स आते हैं और एक नक्शा भी, और साथ ही ढेर सारा सामान। चलो देखते हैं। बहुत बढ़िया, यहाँ और भी हैं। घंटी बजाते हैं, इसे ऐसे खोलते हैं। वाह, ये बहुत मजेदार है। इसमें एक, दो, तीन, चार, चार कमरे हैं। चलो अब स्टिकर लगाते हैं। और ये लकड़ी के पैनल सबसे ऊंची मंजिल के लिए। और ये खिड़की। इस कमरे में तस्वीरें लगाएंगे। बहुत सुंदर लग रहा है। ये कुछ पौधे हैं, इसे हम ऐसे मोड़ देंगे और खिड़की के आगे रखेंगे। और यहां एक कालीन रखेंगे। यहां थोड़ी और तस्वीरें लगाएंगे। ये रहा प्यारा परोरो। और यहां परोरो जहाज उड़ा रहा है। ये एक और। नीचे वाली मंजिल को लकड़ी से सजाएंगे। और ये सुंदर बुक शेल्फ। और ये दूसरी खिड़की, ये आयताकार है। ये होगा हमारा स्नान घर। चलो इसमें टाइल लगाएं। एक तौलिया टांगते हैं। और अब रसोई के लिए पर्दे, ये सुंदर गुलाबी। और थोड़े हरे यहां पर। ये आग सेकने के लिए बहुत बढ़िया है। और ये पायदान। बाहर की सजावट के लिए ये छोटे गमले। और ये सुंदर फूल। देखो परोरो हाउस में अब सारे स्टिकर लग चुके हैं। अब परोरो हाउस कितना सुंदर दिख रहा है। चलो अब फर्नीचर और बाकी सामान रखें। ये है बिस्तर। बड़ी अच्छी नींद आएगी। और ये है सिंक, तुम इसमें हाथ और बर्तन धो सकते हो। ये है नहाने के लिए टब, तुम यहां अपनी सफाई करो। कपड़ों से भरी अलमारी सुबह तैयार होने के लिए। ये पियानो, संगीत बजाने के लिए। ये है फ्रिज, जो खाने को कभी खराब नहीं होने देता। आरामदायक हरा सोफा। और ये पैरों के लिए चौकी, इसे यहां रख दो। ये है अवन, खाना बनाने के लिए। चलो इस सीढ़ी को यहां रखते हैं और इससे हम ऊपर वाली मंजिल में जाएंगे। आखिर में ये मेज और कुर्सियां। ये रही गुलाबी, और ये नारंगी, और ये नीली। इस प्लेमेट को यहां बिछाओ ताकि बाहर खेल पाए। ये है झूला, ऊपर नीचे होने के लिए। ये फिसलने के लिए।
वाह, देखो परोरो का पूरा सजा हुआ घर। इसके चार सुंदर कमरे हैं। ये रही ऊपर बैठक, ये सुंदर बेडरूम, पढ़ने के लिए ये कोना और साथ में स्नान घर, बाहर खेल का मैदान और ये प्यारी रसोई। बहुत मजेदार है, मैं अभी खेलना चाहता हूँ। जरवी, तुम्हें खेलना है? चलो पहले कुछ और दोस्तों को बुलाते हैं। एडी एक लोमड़ी, क्रॉन्ग एक डायनासोर, पैडी एक पिंगविन, लूबी एक ऊदबिलाव और पोवी एक भालू। ठीक है, चलो घंटी बजाओ। ये परोरो, परोरो को संगीत पसंद है इसलिए पियानो बजाएगा। लूबी सोफे पर बैठ के सुनेगी। वो भी थक गया है इसलिए वो ऊपर जाकर लेटना चाहता है। जेनेवी फूलों में पानी डालना चाहती है। अरे मधुमक्खियां आ गई, ये जामुनी रंग की है, ये पीले रंग की, कितनी प्यारी है। क्रॉन्ग गंदा हो गया, अब वो बुलबुलों के साथ स्नान करना चाहता है। पैरी किताब पढ़ रही है और एडी कपड़े बदल कर मस्ती कर रहा है। और ये लाल वाला नहीं, ये हरा, ये भी नहीं, और ये नारंगी नहीं, इसे नीला पसंद आएगा। पागल एडी, सबसे पहले तुमने यही पहना था। चलो अब सब बाहर खेलने चलते हैं। ये मैं नीचे गया। ये आया परोरो। क्रॉन्ग और लूबी सी सॉ में खेलेंगे। पैडी खाने का इंतजाम कर रहा है। फ्रिज में खाने की काफी चीजें हैं। पहले क्या खाएं? ताजा हरे पत्ते, टमाटर या फिर ये मछली। पीने के लिए सोडा। मुझे बर्फ बहुत पसंद है। ये रहा सोडा लेमन। चलो अब स्टोव पर खाना बनाते हैं। पैडी बहुत खूब, अच्छा किया। अरे वाह, क्या खुशबू है। चलो अब मेज लगाते हैं। जेनेवीव्स और उसके दोस्त अभी भी बाहर खेल रहे हैं। खाना तैयार है। लगता है क्रॉन्ग को पिज्जा चाहिए, परोरो को सेब चाहिए, लूबी को ब्रेड और टमाटर चाहिए। और अब पिकनिक में कोई बाहर बैठ के खाना चाहता है। जेनेवीव के लिए सलाद, पॉबी के लिए हॉट डॉग और चीज, एडी के लिए बड़ा रसीला हैमबर्गर। बच्चों खेलकर बहुत मजा आया, अब हो गया जाने का समय। अब घर को ऐसे बंद कर दो। शाबाश, अब परोरो और उसके दोस्तों का स्कूल जाने का समय हो गया। ये गया एडी स्कूल बस में और पॉबी और ये पीछे क्रॉन्ग।
और आखिर में लूबी। उम्मीद है स्कूल में मजा आएगा।